तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कबूतर के सोकड़े के बारे में। काफ़ी लोगों की इंक्वायरी आ रही थी कि कबूतर सूखते जा रहे हैं, सोकड़े में आ रहे हैं, तो उसका कोई इलाज बताएं। तो ये वीडियो आखिरी तक देखिए सोकड़े का इलाज जानने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुणाल एनिमल प्लैनेट और मैं हूं कुणाल आपके साथ। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं सोकड़े का इलाज इस वीडियो के अंदर, और जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। आपके कबूतर को एक या दो डोज के अंदर ही इसमें आराम मिल जाएगा काफ़ी ज़्यादा। बट दवाई जानने से पहले हमारे को ज़रूरी है कि किसी भी बीमारी का हमें कारण पता हो कि ये बीमारी आ क्यों रही है। तो दोस्तों मेन रीज़न जो ये बीमारी आने का है, कबूतर का दाना धुला नहीं होता, कबूतर के दड़बे गंदे होते हैं, या फिर वो गंदा बीठा वाला खाना खाता है उससे वो बीमार हो जाता है। इसके सिम्टम्स जो है, इसके अंदर कबूतर की छाती की हड्डी बाहर आ जाती है और वो पानी वाली बीटें हरी बीट करने लग जाते हैं, थोड़े टाइम में बिल्कुल सफ़ेद सी बीट करने लग जाता है, और काफ़ी जल्दी इसमें दो या तीन दिन के अंदर कबूतर आपका मर भी सकता है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले आपने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, कबूतरों के पास दाना जो है हमेशा फ्रेश आप उनको डालें, पानी उनके पास बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। तीसरा जो है आपके दड़बे साफ़ होने चाहिए, और जो दाना आप उन्हें दे रहे हैं वो आप धो के सुखा के ही उन्हें दें, क्योंकि अगर आप बिना धोए दाना देंगे तो उसके अंदर काफ़ी पेस्टिसाइड्स होते हैं, 90% बीमारियों का कारण जो है वही है। तो अब आपको मैं दवाई बता देता हूँ इसकी। तो दोस्तों एक ही आती है दवाई इसकी, आप देख लें, ये है पावर जेल। ये पावर जेल दवाई आती है, ये आपको किसी भी केमिस्ट की दुकान पे बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और दूसरी दवाई आती है इसकी एक ये ब्रूटोन। तो ये दो दवाइयाँ आपने लेनी है दोस्तों, आपने ये दो दवाइयाँ आप अच्छे से एक बार देख लें फिर से, एक ब्रूटोन है और दूसरी है आपकी पावर जेल। तो दोस्तों आपने करना क्या है, जैसे भी अगर आपको लगे कि कोई कबूतर सोकड़े में आ रहा है या फिर बिल्कुल उसकी कंडीशन जो है ख़राब हो रही है, सूखता जा रहा है, पानी नहीं पी रहा है, या फिर सिर्फ पानी पानी पिए जा रहा है, दाना नहीं खा रहा, तो उस केस के अंदर आपने क्या करना है, एक ड्रॉप तो ब्रूटोन की लेनी है, ड्रॉपर आता है दवाई देने वाला, ड्रॉपर आप सबने देखा होगा, एक ड्रॉप जो है ब्रूटोन और एक ड्रॉप ये पावर जेल उस कबूतर को दे दें आप। एक ड्रॉप पावर जेल और एक ड्रॉप ब्रूटोन, ये आपने दो या तीन दिन तक मैक्सिमम देना है। इसके अंदर आपका कबूतर जो है सोकड़े से 110% बाहर आ जाएगा और बिल्कुल सही हो जाएगा, वापसी दाना वगैरह उठाने लग जाएगा। सिर्फ आपने दिन में एक ड्रॉप ये देनी है और एक ड्रॉप ये दवाई देनी है, और इन दोनों दवाइयों से जो है आपका कबूतर गारंटीड सोकड़े से बाहर आ जाएगा। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, और ये मेरा खुद आजमाया हुआ नुस्खा है, मैंने बहुत सारे लोगों को भी बताया और उनके कबूतर भी इस नुस्खे से बचे हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों मेरा एक छोटा भाई है, वो अपना YouTube चैनल उसने चलाया हुआ है टेक्नोलॉजी के बारे में, अनमोल एडिट्स एंड टेक्नोलॉजी के नाम से। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिनको आप मोटिवेट करना चाहते हैं लाइफ में कुछ करने के लिए, या फिर अगर आपको टेक्नोलॉजी की अगर किसी भी तरह की न्यूज़ जानने में इंटरेस्ट है, तो आप उसका चैनल का मैं आपको इधर ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप इस पर क्लिक करके उस बच्चे का चैनल देख सकते हैं। बेचारा काफ़ी मेहनती है और काफ़ी मेहनत कर रहा है, तो अच्छे टेक्नोलॉजी कंटेंट के लिए आप इसका चैनल व्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आजकल बच्चे भी छोटे छोटे कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।